हेलो गाइस, आज हम नवरात्रि स्पेशल में गन्ने के रस और सामा के चावल की खीर बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं गन्ने के रस और सामा के चावल की खीर। ये हमने 500 ग्राम गन्ने का रस लिया है और 500 ही ग्राम हमने दूध लिया है और ये एक छोटी कटोरी हमने सामा के चावल लिए हैं। ये हमने 3 चम्मच हमने चीनी ली है और 3 चम्मच हमने नारियल का बरूदा लिया है और ये हमने थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम लिए हैं। इनको हमने कट कर लिया है। तो आइए बनाते हैं गन्ने के रस की खीर। ये मैंने एक बर्तन लिया है, गैस को मैंने ऑन कर लिया है और सबसे पहले मैं ये गन्ने के रस को छान लूँगी। इसी में उबाल आने तक पकने दूंगी गन्ने के रस को। अब एक तरफ मैं ये दूध को उबालने के लिए रख दूंगी और इसे मैं दूध को गाढ़ा कर लूंगी। जब तक हमारा ये दूध उबलता है तब तक मैं ये सामा के चावल को अच्छे से धो लूंगी। ये मैंने चावल को अच्छे से धो लिया है। इधर हमारे दूध में उबाल आ चुका है। अब मैं दूध के अंदर ये चावल डाल दूंगी। और इसे मैं चावल को दूध के अंदर अच्छे से पकने दूंगी और दूध को मैं गाढ़ा कर लूंगी। और इधर हमारा ये गन्ने का रस उबलने लगा है। अब मैं इसके जो ये गन्ने के रस के झाग हैं इस झाग को मैं निकालूंगी। और इसे मैं एक दो बार इसी प्रकार से उबालूंगी और उबालने के बाद फिर से इसके झाग निकालूंगी मैं और इसके झाग में फिर से निकालूंगी। और इस गन्ने का रस ये हमारा झाग से अच्छी तरह साफ हो चुका है और इसे मैं 10 से 15 मिनट के लिए इसी प्रकार से पकने दूंगी इसे। और इधर ये हमारे सामा के दूध में पकने लगे हैं और इधर ये हमारे गन्ने का रस गाढ़ा हो चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। और ये हमारी सामा के चावल दूध में अच्छे से पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये नारियल का बरूदा डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। और इसे मिक्स करूंगी अच्छे से। अब मैं इसमें ये जो मैंने चीनी ली है इसमें डाल दूंगी और साथ ही मैं इसमें ये कूटी हुई इलायची डाल दूंगी। मैंने 2 इलायची को कूट लिया था। अब मैं इसके अंदर गन्ने का रस डालूंगी। मैं गन्ने के रस को फिर से छानूंगी। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
और ये हमारी खीर कितने अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। ये हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी और गैस को मैं बंद कर दूंगी। ये हमारी गन्ने की रस की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी इसे नवरात्रि में जरूर बनाना। धन्यवाद।